Okay, has anyone practiced? No, sir. Okay. What about others? बाकीच्यांनी कोणाला ट्राय केलं? पिवट टेबल कसा आहे, काय वर्क होतंय, नाही होत तुमच्यात? अँड बिफोर दिस क्विक समरी, आपण काय काय शिकलो. वी स्टार्टेड विथ डेटा अंडरस्टँडिंग, राईट? देन डेटा अंडरस्टँडिंग केलं. वी यूज चॅट जीपीटी अँड ऑल टू अंडरस्टँड द डेटा. नॉट ओनली डेटा, देन वाय द कॉलम एक्झिस्ट, राईट? जस्ट अ सेकेंड, आय गेस स्क्रीन इज नॉट विजिबल. ओके. दिसतं स्क्रीन आता? यस सर. थँक्यू. So we started with data understanding. This is a US banking sa data hota, right? US banking sa data hota. We started with data understanding. Jitha we were confused or we didn't know ki account type madhe IRA kaya hai, CD kaya hai, checking kaya hai. Then we used the chat GPT to understand, to gain a domain knowledge, right? इंडियन बँकिंग टर्म्स टर्मिनोलॉजीज काय आहेत काय नाही आहेत. बेस्ड ऑन दॅट देन व्हॉट वी डिड, वी डिड डेटा फॉर्मॅटिंग. म्हणजे जे आपण डेटा अंडरस्टँड केलं होतं त्यावरती डेटा फॉर्मॅटिंग केलं. ओके. अँड देन नेक्स्ट स्टेप इज डेटा कन्सॉलिडेशन, और इफ आय नीड टू कंबाइन टू और थ्री टेबल्स देन आय कॅन कंबाइन युझिंग लुकअप फंक्शन सच एज वी लुकअप, एच लुकअप and x lookup. Hope everybody is able to understand. But in our case it was not required, so we didn't do any data consolidation. The next step is quick insights, right? So this was your homework, to find out a quick insights based on the conditional formatting on a given data. Okay. After quick insights, it's quick insights is a fourth step. Fifth step is data summarization. Whatever you have done, you need to summarize so that you can find out additional insights or the insights which you cannot directly see based on the data. Clear? And then to summarize all the data, we used the pivot table option, and it was there in the pivot table. You could insert pivot table, right? Clear सगळे. So this is how we covered most of the things. हे सगळं आपण we already covered. So pivot table we started with analyzing question by question, म्हणजे to make you understand quickly, we started with the questions, और हमने कोई questions निकाले. उस question के basis पे आप data को analyze कर सकते हो, और इसके लिए आपको पिवट टेबल यूज करना है. ओके. क्लियर. सो कल जो हमने देखा था, हाउ मच अमाउंट इज देयर इन ईच अकाउंट टाइप और ईच एजेंट, राइट? तो उसके लिए हमने ये टेबल बनाया था. डू यू रिमेम्बर? ये इसमें एजेंट है, फिर उसके अकाउंट टाइप्स है, एंड देन अमाउंट है. एंड दैट अमाउंट इज नॉट ओनली इन रुपीज में था, बट उसके बाद हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, राइट? क्लियर सबको? और वो कैसे करना है? आई कैन यूज हियर दिस वैल्यूज. यहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट करता था, देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग. इन दिस आई कैन यूज शो वैल्यू एज एंड समराइज वैल्यू बाय. समराइज में सम है तो सम, काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज जो आप रेगुलर यूज करते हो वो. एंड देन शो करने के लिए आई यूज अ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल. हियर देर आर फ्यू मोर ऑप्शन सच एज
percentage grand total by row. If I click on the row, आप रो वाइज सिर्फ डेटा देखो, ये देखिए, मतलब अशोक कुमार, इफ अशोक कुमार का टोटल 100% मेहनत कर रहा है अशोक कुमार, देन उसके क्लाइंट कौन कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, देखिए सीडी इज नथिंग बट अ फिक्स डिपॉजिट, तो अशोक कुमार के 53% कस्टमर आर इन एफडी, एफडी दे डू एफडी राइट. वैसे ही इस केस में श्वेता का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए श्वेता का 100% कस्टमर है, तो उसमें से 70 और 61% आर इन सेविंग बैंक अकाउंट. ओके, होप आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज गेटिंग इम्पैक्टेड और इससे क्या आपको आउटपुट मिलता है. यस नो ओके क्लियर सबको. यहां से कल जो हमने देखा था परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, टोटल से क्या पता चलता था मुझे कि कंप्लीट सीडीआर अकाउंट में क्या है, मतलब हर एक इंडिविजुअल अकाउंट के इसमें हाउ आई एम पासिंग द एलिमेंट्स एंड ऑल राइट. जैसे अभी बट मैंने क्या किया, रो वाइज ग्रैंड टोटल लिया, मतलब रो वाइज 100% दिखना चाहिए. सिमिलरली कॉलम वाइज भी 100% देख सकते हैं. वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज, यहाँ पे शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल बाय कॉलम, ये देखिए कॉलम है, कॉलम रो यू कैन चूज, सो सिलेक्ट कॉलम, प्रेस ओके. नाउ यू कैन सी, मतलब मान लीजिए सीडी, मतलब ये क्या है एफडी, दिस इज नथिंग बट इंडियन बैंकिंग टर्म्स में इसको एफडी बोलते हैं राइट. तो ओवरऑल बैंक में 100% एफडी है, तो उसमें से 33% एफडी अशोक कुमार के कस्टमर कर रहे हैं. कैन आई से दैट, यस नो. मान लीजिए IRA जो अपने एनपीएस की तरह है राइट, इंडिया में एनपीएस रहता है, वैसे ही यूएस में IRA बोलते हैं उसको. तो एनपीएस टोटल एनपीएस 100% है, तो उसमें से मैक्सिमम कौन दे रहा है, 34 विच इज वरुण कुमार राइट. IRA देख सकते हो यहाँ पे, इसका मैक्सिमम है. सिमिलरली आप देख सकते हो कि विच अकाउंट टाइप और विच प्रोडक्ट हु इज सेलिंग, मतलब कौन सा एजेंट कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बेचता है, ये यहां से पता चलता है. क्लियर, यस नो. तो आप उस आदमी को ट्रेन कर सकते हो, और जो आदमी अंडर परफॉर्मिंग है, और द पर्सन हु इज अंडर परफॉर्मिंग, यू कैन ट्रेन देम अंडर हाउ टू सेल एनपीएस प्रोडक्ट और हाउ टू सेल सेविंग अकाउंट राइट. यस नो, यस सर. हेलो सर. यस सर, कैन वी गेट टू नो व्हाट ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर्स दैट वी कैन. ओके, सो ब्रॉडली वी कवर्ड 4 टॉपिक्स. वन इज डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, देन डेटा कंसोलिडेशन एंड क्विक इनसाइट्स. सो वी कवर्ड दिस 4 प्रोसेसेस. एज अ डेटा एनालिस्ट you will do all these 4 steps or processes. सारे प्रोसेस कैसे करना है by using Excel, वो हमने डेटा फॉर्मेटिंग के लिए यूज फॉर्मेट सेल, यहाँ पे ऊपर कॉलम सिलेक्ट करके यू कैन सिलेक्ट अ फॉर्मेट सेल ऑप्शन, ये देखिए फॉर्मेट सेल्स राइट. तो दिस इज नथिंग कम्स अंडर डेटा फॉर्मेटिंग. फिर उसके बाद हमने देखा कि डेटा कंसोलिडेशन, तो डेटा कंसोलिडेशन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक्स लुकअप, सॉरी वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप. ओके, सिमिलरली डेटा व्हाट वाज दैट, क्विक इनसाइट्स. सो क्विक इनसाइट्स में हमने देखा था कि हाउ टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे जो दिख रहा है
So this conditional formatting है, and then we used a quick filter, sort and filter. ये हमने देखा था. And introduction में हमने formulas के बारे में बोला था. मतलब ये जो देख रहे हो आप formulas tab, insert function वगैरह, इसके अंदर अलग-अलग formula है. तो वो formulas के एक lecture हमने spend किया था. मतलब कैसे formula लिखना है, क्या नहीं है. ओके, इतना हमने कवर किया है. ओके सर. सो आई नो थोड़ा ये इस स्टेप्स के बाद आता है, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हर एक चीज एक्सेल में फॉर्मूला से नहीं बनती, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला यू कैन डू लॉट मोर विद एक्सेल. ओके, सो लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. हाउ मेनी अकाउंट ईच सेल्स पर्सन हैज ओपन्ड, मतलब ईच एजेंट हैज ओपन, ऐसा भी बोल सकते हो आप. तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लीजिए एजेंट का नाम आएगा कहीं, तो हाउ विल दिस टेबल लुक लाइक. एजेंट का नाम है क्या है, वर्मा शर्मा, ओके, अशोक राहुल एंड अशोक, ऐसा कुछ रहेगा, राइट, अभिषेक, जो भी नाम है उनके. देन एक साइड में अकाउंट ईच, हाउ मेनी अकाउंट ईच सेल्स पर्सन हैज ओपन्ड, मतलब काउंट निकालना है सिर्फ, टोटल काउंट. यहाँ पे काउंट ऑफ अकाउंट है, मतलब अकाउंट और उसका टाइप जो भी है, और यहाँ पे काउंट आएगा, राइट. ऐसे कुछ नंबर्स रहेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ही हैज ओपन 678 और इसने 56 और इसने ओपन किया 889, ऐसे कुछ भी नंबर्स आएंगे. ऐसा टेबल दिखेगा आपको, पिवट टेबल. मतलब फॉर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी और अकाउंट ईच पर्सन हैज ओपन्ड, इसका आंसर कैसे आएगा, राइट, समथिंग लाइक दिस. ये इमेजिनेशन करने के लिए ठीक है, बट एक्चुअल में हम पिवट टेबल प्लॉट करके देखेंगे. सो पिवट टेबल कैसे प्लॉट करना है, मतलब इस पूरे डेटा में ये कितना डेटा है जो मेरा, वट एवर द डेटा आई हैव 734 रोज है, 700 रोज है, त्या 700 रो मधून मला हे फाइंड आउट करायचं आहे कि माझा जो एजंट आहे और माझे जे सेल्स चे लोक आहेत प्रत्येकाने किती अकाउंट ओपन केले आहेत, हे मला फाइंड आउट करायचं. सो हाऊ इज इट पॉसिबल, काय बघून सांगू शकता का कि सर मी वाचतो पूर्ण आणि मग सांगतो तुम्हाला, की इज दॅट पॉसिबल. मतलब ये 700 रो में जो जो डेटा है वो पढ़ के आप बता सकते हो क्या कि कौन से एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन किए हैं, इज दैट पॉसिबल? नो सर. नो, राइट, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ पिवट टेबल. व्हाट पिवट टेबल डज इज इट डायरेक्टली टेक्स द काउंट. सो हाउ टू क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट, यू कैन क्लिक ऑन द डेटा, वेयर एवर आपका डेटा कहाँ पे वहां पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए. गो टू इंसर्ट, इंसर्ट कहाँ पे, इंसर्ट टैब दिख रहा है कि ये इंसर्ट टैब, देन वी हैव अ पिवट टेबल, दिख रहा है पिवट टेबल, यस नो, राइट. सो आई कैन क्लिक ऑन द पिवट टेबल, देन आई विल गेट दिस पॉपअप. सो ये बैंक डेटा नाम का एक टेबल है जो हमने ऑलरेडी बनाया है इसके लिए, नहीं तो डायरेक्टली इट विल सिलेक्ट द डेटा, यू डोंट हैव टू चेंज दिस. और मुझे पिवट टेबल कहाँ पे चाहिए, न्यू शीट में चाहिए, ओके, देन प्रेस ओके. देखिए शीट टू क्रिएट हो गया नीचे मुझे, है ना, शीट वन था सिर्फ, शीट टू क्रिएट हो गया, यहाँ पे कुछ फील्ड वगैरह ओपन हो गए हैं, राइट. सो नेक्स्ट वन इज, सो अभी हम यहाँ पे जो आप राइट साइड में यू आर सीइंग ऑल द कॉलम्स, जो अपने कॉलम्स वो दिख रहे हैं, और नीचे नीचे यहाँ पे कॉलम और रो जो आउटपुट में चाहिए उसके लिए वैल्यूज एंड फिल्टर्स, राइट, ये चार हमने देखा था. अभी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें ये देखिए रो में क्या आ रहा है, हर एक रो में एजेंट का नाम आ रहा है. सो लेट्स मेक दिस इनटू द पिवट टेबल. तो एजेंट को मैं ड्रैग करके रोज में डाल देता हूँ, एजेंट एजेंट, ये देखिए ऊपर वाला है, इसको क्लिक करके रोज में डाल दीजिए, ओके, एजेंट तो आ गए.
फिर नेक्स्ट में क्या चाहिए? अकाउंट नंबर चाहिए ना, तो अकाउंट नंबर कैसे मिलेगा? अकाउंट टाइप में डायरेक्ट वैल्यू में डाल देता हूं। तो देखिए अभी क्या आ रहा है, काउंट ऑफ अकाउंट टाइप, मतलब हर एक अभिषेक के नाम पे कितने अकाउंट है उसका काउंट, अरुण ने कितने अकाउंट खोले उसका काउंट, अशोक ने कितने अकाउंट खोले उसका काउंट, और राहुल के कितने अकाउंट है उसका काउंट, और टोटल अकाउंट कितने हैं 722, राइट? क्लियर? आप डायरेक्टली यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आपको इससे पता चलता है कि कौन से एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन किए हैं, राइट? यस नो? सो आई कैन सॉर्ट दिस एज वेल, सिलेक्ट करके आई कैन सॉर्ट, फिल्टर एंड सॉर्ट में से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखिए सबसे अकाउंट अशोक कुमार के है, देन संपर्शन, देन राहुल इज देयर 120। आपको डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा फॉर्मूला के थ्रू आपको करना है तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज पिवट टेबल, डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन मिल जाते हैं, राइट? यस नो? कुछ तो बोलिए। यस सर। ओके चलो, कैन वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें से क्या इंसाइट मिलेगा आपको? वापस टॉप थ्री सेल्स पर्सन, आपके टॉप थ्री में कौन है, वो इंसाइट्स आप निकाल सकते हो इसमें से। कल हमने क्या देखा था, वो कितने सेल्स हैंडल कर रहे हैं, राइट? ओके क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी यू कैन सी हाउ मेनी अकाउंट टाइप ऑफ हाउ मेनी अकाउंट ऑफ ईच टाइप द सेल्स पर्सन हैज ओपनड। मतलब जो हमने अभी किया है इसमें, इसमें तो मुझे बाइफर्केट करना है, मतलब ये अकाउंट टाइप है, बट आई नीड, मान लीजिए आईआरए के कितने हैं, आईआरए कितने खोला है, फिर सीडी के कितने अकाउंट है, सेविंग के कितने अकाउंट है, और हर एक आदमी ने कितने कितने आईआरए अकाउंट खोले हैं, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली, ये अकाउंट टाइप जो है ना, इसका काउंट ऐसे ही रहने देता हूं, बट कॉलम में मैं अकाउंट टाइप ड्रैग करता हूं, वापस बार क्लिक करके अकाउंट टाइप। देखिए अभी हो गया बायफर्केशन, मतलब अशोक कुमार के सीडी के 60 अकाउंट है, चेकिंग के 80 है, टोटल कितने है उसके 206 है, राइट? और पूरे बैंक में मेरे एफडी के कितने अकाउंट है, 211 अकाउंट है, चेकिंग मतलब करंट अकाउंट 289 है, सेविंग 194 है। यस नो? समझ में आ रहा है ना? यस सर। आई नो ये बहुत आसान लगता है ड्रैग एंड ड्रॉप, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू का क्या मीनिंग होता है, मतलब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है और जो मैंने टेबल बनाया है उसमें से मुझे क्या इंसाइट्स निकालना है और इसका मीनिंग क्या है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। होप, और यही काम है ना, इंसाइट्स निकालना इज द वर्क ऑफ डेटा एनालिस्ट, राइट? तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डेटा और क्या बन रहा है, क्या नहीं है, क्या आपको बनाना है, व्हाट यू वांट टू क्रिएट, इससे आपको पता चलेगा, है ना? ओके चलो, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज हाउ मेनी पीपल आर देयर ईच ब्रांच। ओके तर अभी मुझे क्या करना है, ब्रांच वाइज कितने एजेंट्स है ये निकालना है, मतलब हर एक ब्रांच में, और यहाँ पे ब्रांच आएंगे, ब्रांच क्या है, काउंटी वगैरह है ना, नॉर्थ नॉर्थ साउथ ऐसे कुछ ब्रांच है, राइट? और हर एक ब्रांच में कितने एम्प्लॉयज है, मतलब कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और हाउ मेनी पीपल आर देयर, और हाउ मेनी अकाउंट्स ओपन्ड, हर एक ब्रांच में कितने अकाउंट ओपन हुए हैं, ये देखना है, दैट वी कैन ऑल्सो डू, और अकाउंट टाइप, और यहाँ पे अकाउंट
टोटल नंबर ऑफ अकाउंट आएंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट, और नीचे आएगा कुछ नंबर रहेगा 45, 67, 89 और जो भी आपके नंबर है वो। ओके, ऐसा मुझे कुछ बनाना है, राइट? सो हु कैन हेल्प मी, हाउ शुड आई डू दिस? मतलब चलिए लेट्स मेक इट सिंपल, हर एक ब्रांच में कितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं ये मुझे जानना है। हु कैन हेल्प मी? इससे मैं बता सकता हूँ कि कौन सा ब्रांच इंपॉर्टेंट है ना? हु कैन हेल्प मी? ये मेरा डेटा है, ये डेटा देखिए, इसमें से मुझे बताइए, ये तो ब्रांच है आपको दिख रहा है, हर एक ब्रांच में कितने अकाउंट्स हैं, कौन बताएगा मुझे? पिवट टेबल यस, पिवट टेबल बना सकते हो आप। ये आपको काउंट करना है, काउंट करना है क्या? सेंट्रल 1 2 3 4 ऐसे, वेस्ट साइड 1 2 3 4, नॉर्थ दो, ना। देन आपको कैसे, मतलब हाउ आपको कैसे करना है फिर? यू हैव नो अदर ऑप्शन इन पिवट टेबल, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इंसर्ट अब अगर में जाके डेटा, हाँ इंसर्ट इंसर्ट प्योर, चलो इंसर्ट प्योर प्योर प्योर, टेबल। और टेबल रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि ओके हम किया था है ना, हाँ न्यू न्यू वर्कशीट प्रेस। ऑप्शन ओके। ओके जस्ट अ सेकेंड। हेलो क्लास में देखो लिखी, आता शुरू है 10 मिनट, 7 लस हम तो, हाँ 7, तू छूट है। होगा एंजॉय डे लगा। हाँ, चालते चालते हो, चालते चालते ठीक है, कर तुम्हें सॉरी। ओके चलो, सो व्हाट वी कैन डू इज पिवट और पिवट फील्ड, तो पिवट फील्ड में हम, हमें देखना है कि हर एक ब्रांच में कितने लोग थे, राइट? सो बताइए अभी आगे क्या करना है। तो ब्रांच को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ ब्रांच पे सिलेक्ट करो? कॉलम, रोज, वैल्यूज? रोज रोज, राइट? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चलता है कि कौन से ब्रांच में क्या है। एंड देन नेक्स्ट, अभी अकाउंट कितने ओपन हुए ये देखना है। अकाउंट टाइप में इधर यस वैल्यूज में ना सर। ओके, ड्रॉप द वैल्यूज, चेक कीजिए क्या होता है। चलिए ओके, क्या आया आंसर? गुड, यही चाहिए था ना आपको, सेंट्रल में कितने अकाउंट, नॉर्थ काउंटी में कितने अकाउंट हैं और वेस्ट साइड में कितने, टोटल 722, राइट? गुड, तो अकाउंट टाइप वाइज कितने अकाउंट थे वो भी देख सकता हूँ। कैसे? वापस अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप आप ओपन कर सकते हो, देखिए और सॉरी ये थोड़ा आगे जाएगा, अकाउंट टाइप को कॉलम में ड्रॉप कर दीजिए, ये अकाउंट टाइप मिलेगा मुझे, मतलब एफडी के कितने अकाउंट है सेंट्रल ब्रांच में, राइट? ये सब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्लियर? नॉट ओनली दिस, अभी थोड़ा कुछ लेट्स हम देखते हैं कि वॉक इन कितने हुए और टेलीफोन से कितने अकाउंट ओपन हुए वो देखना है। तो क्या करना है मुझे, आई कैन ओपन बाय नाम का कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, ओपन बाय, ये ड्रैग करते हैं इन कॉलम्स, ये देखिए, मतलब दो मैंने यहाँ पे कॉलम में डाल दिया है। अभी देखिए सीडी मतलब एफडी, जो इंडियन टर्म है एफडी, एफडी में वॉक इन कितने और टेलीफोन से कितने एफडी ओपन हुए, फिर चेकिंग सेविंग सॉरी ये क्या है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितने वॉक इन है और कितने टेलीफोन पे है, इसका एनालिसिस है, राइट? फिर उसका टोटल भी दिया है, ये टोटल बहुत बीच बीच में इट इज मेकिंग इशू, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, के लिए गो टू
प्योर टेबल डिजाइन, कुछ डिजाइन रिलेटेड आप चेंजेस कर सकते हो इसमें. ओके तो क्लिक ऑन दिस डिजाइन, देन यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे. ये देखिए, सब टोटल, ग्रैंड टोटल, लेआउट, हेडर रो, कॉलम हेडर रखना है कि नहीं रखना है. फिर ये सारे डिजाइन में भी आपको कलर चेंज वगैरह करने के लिए ऑप्शन मिलेगा. देखिए चेंज हो रहा है कलर, देखिए कलर चेंज हो रहा है ना. By the way, if, right, you can keep this, आपको जो अच्छा लगे वो यू कैन कीप इट. देन आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल नाम का दिख रहा है ना, तो इससे क्या होगा कि ये ग्रैंड टोटल जो दिख रहा है वो रिमूव कर सकते हो आप. ये देखिए क्लिक करके ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, है ना. ऑफ, ऑन, ऑन रो ओनली, ऑन कॉलम ओनली. ऑफ कर देंगे तो सारे ग्रैंड टोटल निकल जाएंगे, देखिए है ना, यहां से निकल गया और पीछे का निकल गया यहाँ पे. बट बीच में है यहाँ पे सीडी और चेकिंग टोटल, इसको बोलते हैं सब टोटल. तो ये भी आप रिमूव कर सकते हो डिजाइन में जाके, सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल्स, राइट. हो गया क्लियर कंसाइज. बाय द वे ये बीच बीच में बहुत इशू कर रहे हैं, तो ये कैसे निकलना है, कल देखा था ना हमने. ये देखिए ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं क्या यहाँ पे, आई कैन हाइड दैट. ये देखिए अभी ये कंसाइज एकदम रिपोर्ट बन गया आपका. सीडी उसमें वॉक इन एंड टेलीफोन, चेकिंग उसमें वॉक इन एंड टेलीफोन, आईआरए उसमें वॉक इन एंड टेलीफोन, सेविंग उसमें वॉक इन एंड टेलीफोन, और उनके नंबर आए सब जगह पे. यस यस नो सर, कैन यू शो दैट अगेन, वो कैसे किया अभी. ओके बाय द वे ऑप्शंस आपने यहाँ पे क्लिक किया कहीं पे भी तो यू गेट अ टू न्यू मेन्यू हियर. ये देखिए पहले ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेन्यू है क्या, नहीं है. बट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेन्यू आ जाए दो. व्हाई, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल फीचर, ये रेगुलर पीपल के लिए नहीं है. दिस इज एडवांस, यू कैन से एडवांस एक्सेल, क्योंकि इसको लिए एडिशनल ऑप्शंस दिया गया है एक्सेल की तरफ से. ओके वंस यू गेट दैट ऑप्शन, आपको फिर क्या क्या चेंज करना है वो डिजाइन में है. डिजाइन रिलेटेड एस्पेक्ट आपको चेंज करना है तो वो डिजाइन में, और प्योर टेबल कैसे दिखता है और एनालाइज करना है तो यहाँ से. और डिजाइन में जाके आप ग्रैंड टोटल ऑन कर सकते हो. ये देखिए ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, राइट. ये ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी आ गया, and then it has come here, grand total. Okay? इसको निकालना है तो you can on and off, off कर सकते हो. यहाँ पे सिर्फ row only करना है तो row, मतलब सिर्फ ये row के लिए यहाँ पे grand total दिखेगा, grand total दिखेगा. column के लिए allow करना है तो सिर्फ column का दिखेगा यहाँ पे ऐसे, right? Clear? Click. सॉर्टिंग बिटवीन अकाउंट अँड टेलर ते आधी वेगळं होतं ना, तर ते नंतर एकदम परफेक्ट कसं केलं ते. सॉर्टिंग नाही, न्यू अकाउंट आणि टेलर मध्ये ते प्रॉपर आता दिसतंय, आधी इट वॉज नॉट लुकिंग प्रॉपर. यू हॅड अ सब टोटल, आता प्योर टेबल अनालाइज, सॉरी डिझाईन मध्ये सब टोटल अँड टोटल होतं ना, इथे सब टोटल पण आहे. इथे जेव्हा सब टोटल ऑन होत हे असं होतं, हे टोटल दिसायचे हे बघा, राईट. हे टोटल काही गरज नाही आपल्याला, इफ यू नीड यू कॅन शो देम ऑर एल्स यू कॅन रिमूव. नॉट ओनली दिस बटन्स, पण इथे बटन्स होते ना, ते बटन्स प्योर टेबल अनालाइज मध्ये यू गेट दिस ऑप्शन हियर. सी बटन, हेडर, हे सगळे ऑफ करायचे, नाहीतर हे असे बटन्स वगैरे दिसतात. अच्छा ओके क्लिअर. सो आय कॅन ऑफ अँड देन your requirement and a field list means here side is a menu. ye dekhiye okay clear yes no yes sir okay good. padhe jo main bana raha tha ye, will that be possible, isko bhi automate kar sakenge, matlab aapko imagine karna padta hai na, row mein kya aayega, column mein kya aayega. aapko main ek trick bata du ki usko kaise karna hai. Will you able to do it directly?
आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो उसके लिए थोड़ा आपको इनेबल करना पड़ता है ऑप्शन वगैरह, मतलब यू नीड टू बी इनेबल समथिंग सम फ्यू ऑप्शंस। सो देखिए ध्यान से अभी कैसे इनेबल करना है। जब भी आप पिवोट टेबल बना रहे हो, लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको भी फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी अकाउंट्स आर ओपन्ड बाय ओल्ड कस्टमर एंड न्यू कस्टमर। ओके, न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर के अकाउंट का आपको डिवाइड करना है। मतलब जस्ट लेट मी टेक द एग्जांपल, यहाँ पे जैसे हमने अकाउंट को डिवाइड किया अकाउंट टाइप के ऊपर, राइट? बट मुझे ऐसा चाहिए कि न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर, क्योंकि आप डेटा देखोगे तो देखिए न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर टाइप के बेसिस पे मुझे एनालिसिस करना है। मतलब कस्टमर टाइप कितने ब्रांच में है, हर एक ब्रांच में कस्टमर का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका अमाउंट क्या है क्या नहीं है, राइट? इसके रिलेटेड मुझे एनालिसिस करना है। तो और एक सिंपल स्टेप मैं बता सकता हूँ यहाँ पे आपको, आपको इंसर्ट पिवोट टेबल के नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, देखिए है ना, ये ऑप्शंस यहाँ पे जाके फ्रॉम रेंज बोल सकते हो। ओके सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, आप डायरेक्टली पिवोट टेबल भी इंसर्ट कीजिए, नॉट एन इश्यू। ओके, आई विल क्रिएट। एक बार पिवोट टेबल आपने क्रिएट किया और ये ऑप्शन में आ गए, देखिए शीट फोर क्रिएट हुआ है, इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्या नीचे? ऑप्शंस ऑप्शंस यहाँ पे आगे ये मेन्यू दिखेगा, प्योर टेबल ऑप्शंस, इसमें जाके डिस्प्ले में क्लिक करना है आपको, एंड देन यू नीड टू इनेबल दिस, ये ऑप्शन दिख रहा है क्लासिक प्योर टेबल लेआउट, इसको क्लिक करना है एंड देन प्रेस ओके। तो आपका ये मेन्यू चेंज होगा यहाँ पे, ये देखिए पहले पिवोट टेबल कुछ अलग दिखता था, अभी अलग दिख रहा है। इससे आप देख सकते हो, ये देखिए ड्रॉप रोज हियर, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप वैल्यूज। तो आपको इमेजिन करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली, मुझे क्या करना था, कस्टमर के ब्रांच चाहिए था तो मैं डायरेक्टली ब्रांच को क्लिक करूंगा, यहाँ पे ड्रैग लेके आके इधर छोड़ दूंगा, डायरेक्टली हो गया ब्रांच बन गए। फिर कस्टमर टाइप चाहिए था न्यू एंड ओल्ड, तो उसको ड्रैग करके कॉलम में ऊपर डाल देता हूँ, एग्जिस्टिंग एंड न्यू आ गए। अभी इधर क्या चाहिए, एग्जिस्टिंग वाले कितने अकाउंट है और न्यू वाले कितने अकाउंट है, राइट? तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, अकाउंट टाइप भी ले सकता हूँ, नहीं तो सेम कस्टमर टाइप का भी अकाउंट ले सकता हूँ, राइट? यू कैन से अकाउंट टाइप ड्रैग करके बीच में छोड़ देता हूँ और डायरेक्टली अपने आप ले लेते हैं, राइट? अभी देखिए, मतलब सेंट्रल ब्रांच में एग्जिस्टिंग कितने कस्टमर हैं, इतने हैं, नए कितने हैं, 123, नॉर्थ में कितने हैं, ये सब कुछ है, वेस्ट साइड में कितने हैं, इतने हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपको नॉर्थ और वेस्ट में मार्केटिंग ज्यादा करना पड़ेगा, आपके नए कस्टमर और न्यू कस्टमर जो है वो बहुत कम है, राइट? कैन यू से दैट? दैट इज नथिंग बट अ पिवोट टेबल हमने वी यूज्ड एंड उसके बेसिस पे एग्जिस्टिंग एंड न्यू का कंट्रीब्यूशन निकाला। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर मेरे ज्यादा है, न्यू कम है, तो मुझे मार्केटिंग में यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट? यस नो, तो आप इंसाइट्स निकाल सकते हो। इफ यू नॉर्थ काउंटी एंड वेस्ट साइड हैज वेरी फ्यू न्यू अकाउंट्स, सो वी कैन स्पेंड मार्केटिंग और वी कैन डू अवर प्रोडक्ट और मार्केटिंग, वी कैन स्पेंड मोर मनी इन द मार्केटिंग फॉर दैट रीजन और फॉर दैट ब्रांच, ऐसे हम बोल सकते हो। मतलब नॉर्थ काउंटी और वेस्ट साइड को ज्यादा पैसा दे दो मार्केटिंग करने के लिए, ऐसे आप बता सकते हो, राइट? क्लियर? बाय द वे वन मोर ऑप्शन इज, यहाँ पे जो काउंट दिख रहा है इस काउंट को मैं परसेंटेज में देखता हूँ, कैसे?
बाय द वे इतना लॉन्ग मेथड के बजाय और एल्स कुछ डेटा सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ से भी आता है, ये शॉर्टकट है, ओके ये देखिए, राइट क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग, वही सेम स्क्रीन ओपन हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, और सॉरी परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, राइट ये देखिए क्लिक आ गया, मतलब एग्जिस्टिंग कितने कस्टमर है 33%, नए कितने 7, एग्जिस्टिंग नए सिर्फ 9 और 7 है यहाँ पे, टोटल कंट्रीब्यूशन न्यू कस्टमर का कितना है 34%, ओल्ड का 65%, राइट मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर ही मेरे अकाउंट ओपन कर रहे हैं अलग अलग, नए कस्टमर नहीं ओपन कर रहे हैं, पता चल रहा है ना, मतलब मान लीजिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं क्या करूंगा, सेविंग अकाउंट ओपन करूंगा, नहीं तो मैं एनपीएस ओपन करूंगा, नहीं तो मैं एफडी लूंगा, ऐसा नहीं कि सडनली मैंने नोवेयर में आपके बैंक में एफडी ओपन कर रहा हूँ, नहीं तो एनपीएस का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, ऐसे बहुत कम हो रहा है क्योंकि सिर्फ 34% है ना, क्लियर, इससे ये पता चलता है। बाय द वे और एक पता चलता है कि मान लीजिए एग्जिस्टिंग और नए जो मेरे कस्टमर है उन्होंने कितना पैसा रखा है, ये भी आप निकाल सकते हो, राइट इससे पता चलता है कि जो नए कस्टमर आ रहे हैं आपके यहाँ पे वो ज्यादा पैसा लेके आ रहे हैं कि कम पैसा ले रहे हैं, मतलब इफ आई ओपन सम अकाउंट, मान लीजिए एक्सिस बैंक में मैंने अकाउंट ओपन किया और हाउ मच आई एम कीपिंग इट, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट तो दूसरा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर में दूसरे बैंक का हूँ, बट नए ब्रांच और नए बैंक में मैं कितना पैसा रख रहा हूँ, दैट आई कैन फाइंड आउट, तो कैसे करना है, कैन एनीबडी टेल मी, सो व्हाट वी कैन डू इज वैल्यूज का ये मैं निकाल देता हूँ, ओके निकाल दिया, अमाउंट में डाल देता हूँ, ड्रैग करके अमाउंट ड्रॉप कर दिया इस, तो ये क्या बता रहा है अभी कि मेरे एग्जिस्टिंग कितने एग्जिस्टिंग लोगों ने कितना पैसा लगाया देखिए अकाउंट में, फिर न्यू कितने लोग हैं, राइट बट आपको कुछ नंबर देख के समझ नहीं आ रहा होगा, सो बेस्ट ऑप्शन इज पूरा डेटा सिलेक्ट, राइट क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ओके देखिए अभी नाउ यू कैन बी मोर रिलेटेबल, मतलब आपके अकाउंट में 31% पैसा एग्जिस्टिंग लोग लेके आ रहे हैं, नए लोग सिर्फ 15% लेके आ रहे हैं, ओके और इसको और अच्छा बनाने के लिए राइट क्लिक कॉलम वाइज ग्रैंड टोटल लीजिए, मतलब आपको अच्छा यू विल, और रो वाइज लेट्स टेक रो वाइज एंड देन कॉलम वाइज, नाउ इट विल बी मोर रिलेटेबल, देखिए सेंट्रल में टोटल 100% एम्प्लॉइज है, कस्टमर है, क्लियर, उसमें से 66% एग्जिस्टिंग है एंड देन 33% न्यू कस्टमर, ओके यहाँ पे 57 इज न्यू, सॉरी 57 इज एग्जिस्टिंग, 42 इज न्यू, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वेस्ट साइड में जो भी कस्टमर आ रहे हैं नए वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पैसा लेके आ रहे हैं, क्योंकि 42% कंट्रीब्यूशन है उनका ओवरऑल बिजनेस में, ओके बट वैसा सेंट्रल एंड नॉर्थ काउंटी में नहीं है, सो रिच कस्टमर आपके अकाउंट बन रहे हैं, कस्टमर बन रहे हैं फ्रॉम वेस्ट साइड, बाकी यहाँ पे इतने अमीर नहीं है और दे आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच मनी, ओके यस नो, सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट इनसाइट्स, मींस आपको इतना पता चला कि वेस्ट साइड में नए अकाउंट कम है, ये पिछले मतलब इनिशियल प्रॉब्लम से पता चला, द नेक्स्ट प्रॉब्लम ये पता चला कि आपके जो भी कस्टमर आ रहे हैं वेस्ट साइड में कम है बट वो बहुत अमीर है, तो इनके लिए कुछ आप बना सकते हो क्या, कैन आई लॉन्च सम स्पेशल क्रेडिट कार्ड जो नए कस्टमर है एंड रिच है, देन आई कैन डू सम एफडी और IRA ऐसे कुछ मैं भेज सकता हूँ क्या, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आई कैन डू राइट, सो ऐसे आपको एनालाइज करना है, दैट्स हाउ यू नीड टू डिवाइस सम स्ट्रेटजीज और मैनेजमेंट को ये बताना है इनसाइट्स, क्या मैं ये डेटा पढ़ के बता सकता हूँ क्या कि वेस्ट साइड में
मेरे बहुत अमीर कस्टमर हैं, ये 700 लाइन पढ़ के कैन इज इट पॉसिबल? नो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग प्योर टेबल एंड विद हेल्प ऑफ प्योर टेबल आई एम यूजिंग और आई एम डूइंग लॉट ऑफ इनसाइट्स। डेटा में क्या है क्या नहीं है, आई एम डूइंग इन आई एम मतलब हम इनसाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? वो ऐसे ही सिमिलरली जो मैंने प्रोजेक्ट का डेटा सेट दिया है उसके ऊपर आपको काम करना है, मतलब उसके प्योर टेबल बनाइए और बहुत सारे इनसाइट्स निकालिए। उसमें तो 10,000 डेटा है, 10,000 रोज है उस डेटा में। सो दैट विल बी मोर यूजफुल आपके लिए। ओके, एंड क्लासिक प्योर टेबल पता चला आपको कैसे करना है? वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। सिर्फ रेगुलर प्योर टेबल बनाइए, इनसाइट प्योर न्यू वर्कशीट एंड देन यू नीड टू ऑप्ट हियर दिस ऑप्शन में, ऑप्शंस एंड देन डिस्प्ले, डिस्प्ले और डिस्प्ले में जाके क्लासिक प्योर टेबल। ओके, सो आपको क्या लगता है कि आपको याद रखे याद रहेगा 15 दिन के बाद? इज दैट पॉसिबल? बट जी आपको करना क्या है, आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि क्लासिकल प्योर टेबल ऐसे नाम का कुछ चीज होता है और ड्रैग एंड ड्रॉप सम फील्ड ऐसे पता रहना चाहिए। देन यू कैन गूगल इट एनी टाइम कि हाउ टू इनेबल क्लासिक प्योर टेबल, राइट? मतलब यस ये टूल एक्सेल में क्या क्या पॉसिबल है इतना पता चला तो वो कैसे अचीव कर रहा है आप तो कर ही लोगे। गूगल है, चैट जीपीटी है, ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल, राइट? आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, बट आपको पता ही नहीं कि उसमें क्लासिकल प्योर टेबल है, देन आप सर्च भी नहीं करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? सो द पर्पज इज टू नो नॉट टू रिमेम्बर। Purpose is to know things, not to remember things. Okay? Yes, sir. Okay, good. So, let's tell me कि I want to find out कि there is last few questions are remaining, right? Maybe we can take those questions. क्वार्टर वाइज अर्निंग बोल रहा है, ये बोल रहा है कि क्वार्टर वाइज अर्निंग बाय ईच एजेंट, मतलब ईच एजेंट ने क्वार्टर पता है क्या किसको? 3 महीने का एक क्वार्टर रहता है, Q1, Q2, Q3। बिजनेस टर्म में उसको क्वार्टर बोलते हैं क्योंकि हर 3 महीने में आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, दे परफॉर्म और दे चेक योर परफॉर्मेंस। तो ये बोल रहा है कि हर एक क्वार्टर वाइज एजेंट ने कितना पैसा कमाया और व्हाट वाज द अमाउंट इन देयर अकाउंट, कैन ये कैसे निकालना है? कैन यू गाइज टेल मी? पहले तो आपको मंथ भी दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, है ना? देन डेट इज ऑल्सो देयर। सो आई कैन यूज दिस फील्ड टू जनरेट क्या बोलते हैं उसको, मंथ वाइज, ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज एनालिसिस मैं कर सकता हूँ। सो लेट्स टेक डेटा, सॉरी, इंसर्ट प्योर टेबल। ओके, देन आई विल मेक इट अ क्लासिक। सो ऑप्शंस, देन डिस्प्ले एंड क्लासिक प्योर टेबल, प्रेस ओके, राइट? जस्ट सेकंड।
ओके चलो सॉरी सो हम कहां थे कि हर क्वार्टर वाइज हमें निकालना है तो क्या ना इसे मंथ लेट्स टेक मंथ हियर सो लेट्स टेक मंथ इनटू द कॉलम्स सो जैन फेब मार्च अप्रैल में ऊपर मंथ आ गया डायरेक्टली ओके फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए था एजेंट एजेंट चाहिए था रो में आई विल पुट एजेंट और हर एक एजेंट के हर एक महीने में मान लीजिए उसके जितने भी कस्टमर होंगे उन्होंने कितना पैसा डिपॉजिट किया तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट अमाउंट हियर ड्रैग करके बीच में डाल देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कैन एनीबॉडी टेल मी कि अभिषेक कुमार के जो कस्टमर है जनवरी में उन्होंने इतना पैसा डिपॉजिट किया फेब में इतना किया मार्च में इतना किया अरुण कुमार के ये दो महीने में जीरो रुपीज उसके जो कस्टमर है उन्होंने जीरो रुपीज यहाँ पे जमा किया इसीलिए ब्लैंक आया है श्वेता इज ब्लैंक ब्लैंक ओनली 500 रुपीज राइट तो दिस इज हाउ यू कैन डू एनालिसिस फिर वापस इतने सारे नंबर है अगेन इशू सो व्हाट यू कैन डू इज सिलेक्ट द डेटा राइट क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग शो एज परसेंटेज क्योंकि नंबर पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट ना सो यू कैन टेक मान लीजिए मंथ वाइज ग्रैंड टोटल सो यू कैन क्लियरली सी देखिए अभी कौन से महीने में कितने परसेंटेज पैसा आ रहा है आपको पता चलेगा डायरेक्टली ओके ये थोड़ा बहुत ग्रैंडुलर हो गया बहुत ही ज्यादा डिटेल में हो गया लेट्स टेक एजेंट वाइज मतलब हर एक एजेंट को 100% कंसिडर करते हैं फिर उसके हर एक महीने में कितना पैसा है राइट लेक वैल्यू फील्ड सेटिंग शो वैल्यू एज कॉलम वाइज सॉरी रो वाइज देखना है ना रो वाइज क्लिक तो देख सकते अभिषेक कुमार के जो भी कितने कस्टमर है उनके पूरा 100% आ गया इधर है ना दिस इज 100% सॉरी अभिषेक कुमार के 100% एक एफिशिएंसी है उसमें से हर एक महीने में उतने उन्होंने कितना परफॉर्म किया है देखिए मतलब जनवरी में सिर्फ 3% उनका पैसा आया है मतलब उनके कस्टमर ने पैसा जमा किया है अप्रैल में सबसे ज्यादा पैसा जमा किया है राइट वैसे ही अरुण कुमार का 0% जनवरी में दिया 0 जैन फेब में बट सबसे ज्यादा कब आया है जून में जून और दिसंबर में आ रहा है इनका पैसा और प्रमोद कुमार का जनवरी में ही 10% उन्होंने काम किया है और उनके कस्टमर है मई में 21% है उनके कस्टमर्स दिसंबर में कुछ काम नहीं किया लगता है छुट्टी पे थे प्रमोद कुमार 0.79 राइट सो इतने डिटेल्स में आप डेटा अंडरस्टैंड कर सकते हो और यू कैन फाइंड द डेटा ओके क्लियर सबको नॉट ओके जनरली व्हेनेवर यू हैव दिस नंबर्स नॉट ओनली दिस आप एक काम कर सकते हो इसमें ये देखिए देर आर टू फ्यू मोर ऑप्शंस ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या इंसर्ट स्लाइसर एंड इंसर्ट टाइमलाइन सो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करोगे तो डेट क्योंकि टाइमलाइन डेट से ही बनता है ना तो वो ऑटोमेटिकली डेट कॉलम लेता है ओके तो ये क्या करेगा नॉट ओनली ये स्लाइडर प्रोवाइड करता है आपको ये देखिए 2017 है ईयर बाय द वे इसको मंथ को मैं क्लियर कर देता हूँ क्वार्टर क्योंकि क्वार्टर वाइज हमें निकालना था ना याद है क्वेश्चन सो आई कैन यूज दैट फिल्टर हियर थोड़ा एडवांस हो जाएगा ये बट ठीक है आई वांट यू टू अंडरस्टैंड लेट्स क्लिक हियर तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो साल का डेटा है 17 और 18 तो मैं अभी देख यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर सकता हूँ इसको देखिए हो गया एक्चुअली मेरे पास सिर्फ 17 का ही डेटा है ये देखिए ऊपर के नंबर चेंज हो रहे हैं है ना
Q2 and Q3, quarter one, quarter two, say for quarter two and quarter three, I can slide ये फिल्टर की तरह मैं यूज कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। इससे वो एक्सेल में डैशबोर्ड वगैरह लोग बनाते हैं, नथिंग बट दिस इज व्हाट इट इज, मतलब इसका ही वो यूज केस है। एंड आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व हियर, इसके ऊपर के दो मेन्यू वापस चेंज हो गए। देखिए ऊपर टाइमलाइन नाम का एक मेन्यू आ गया, फिर उसके टाइमलाइन रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको। एक कलर चेंज कर सकते हो, हाइट विड्थ हेडर फुटर जो भी है वो चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके मतलब कलर इसका चेंज करना है, इसका चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। ओके एक होता है, आता अपन क्वार्टर वाइज करतोय ना, तर अपन मग डिझाइन मध्ये जाऊन सब टोटल मध्ये जाऊन मगाशी जसं टोटल काढलं तसं मग क्वार्टर वाइज टोटल काढू शकतो का? क्वार्टर वाइज परसेंटेज का? हाँ म्हणजे आपण जसं मगाशी डिझाइन मध्ये गेलो होतो त्याच्यानंतर ना सब टोटलला जेव्हा पीडी ची हाँ टोटल। ऑन हाँ करू शकता है बघा, इथे क्लिक करा प्योर टेबल एनालिसिस, मग इथे जाऊन सॉरी डिझाइन मध्ये सब टोटल ऑन करून द्या। ओके सॉरी नाही, ऍक्च्युअली तुम्हाला मंथला डिवाइड करायला कॅटेगरी नाही आहे ना। ओके सब टोटल कधी वर्क होते? जेव्हा माझा डेटा कॅटेगोरिकल आहे। कॅटेगोरिकल म्हणजे माझे कॉलम आहे, त्या कॉलम मध्ये फक्त चार टाइप और चार टाइपचे स्ट्रिंग आहे। हा ऍक्च्युअली डेटा जनरेट केलाय एक्सेलनी, हे मंथ वगैरे ना हे डेट वरून जनरेट केले त्यांनी। आपल्याकडे असा एक्झॅक्ट डेटा नाही आहे जर तुम्ही बघायला गेले तर, कारण डेट इज नॉट अ कॅटेगरी। जसं सी डी अकाउंट टाइप हा काय कॅटेगोरिकल डेटा होता, म्हणजे त्याच्यात बायफर्केशन होतं सेपरेट, तर तसं बायफर्केशन आपल्याला डेटा मध्ये और डेट्स मध्ये नाही मिळत, त्यामुळे मोस्टली सब टोटल तुम्हाला नाही ऑन करता येत। पण थोडं इफ यू ट्राय, म्हणजे इथे ऑप्शन्स असतात, लेट मी जस्ट एक्सप्लोर, आम्ही एक करायचो इथे, लेट मी ओपन दॅट इफ पॉसिबल। सम ऑफ व्हॅल्यू फील्ड सेटिंग मध्ये जस्ट सेकंड, इथं खूप सारे ऑप्शन्स तुम्हाला बाय द वे अवेलेबल असतात। लेट मी टेल यू, सब टोटल एंड फिल्टर मध्ये कस्टम सब टोटल ऑन द सम नाही। ओके सो देर आर, इथून जसं आपण व्हॅल्यू फील्ड सेटिंग यूज करायचो ना, तसं अजून एक फील्ड सेटिंग असते। प्रत्येक कॉलम किंवा रो या सगळ्या लेवलला एक एक व्हॅल्यू फील्ड सेटिंग अवेलेबल असते, तर तुम्हाला ते थोडं सेटिंग्स मॅन्युपुलेट करायला लागतात अँड देन इट इज पॉसिबल। शो लेबल्स आउटलाइन फ्रॉम शो टेब्युलर फॉर्म वगैरे होते मॅक्स आय वॉन्ट। ओके ठीक आहे जस्ट अ सेकंड। तुम्हाला सब टोटल पण कशाचं पाहिजे? मंथचं, जानेवारीचं टोटल तर इथे आहे ऑलरेडी, नाही क्लोज सर, आपण ना की क्वार्टर वाइज पाहिजे क्वार्टर म्हणजे वाइज जान। टोटल ना। ओके व्हॉट यू कॅन डू इज जस्ट अ सेकंड, फील्ड सेटिंग जाके इन मंथ इंस्टेड ऑफ मंथ जो हमने यूज किया है ना फील्ड, दैट इज मंथ। सो व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ दैट आई विल टेक अ डेट। डेट से मुझे और ज्यादा ग्रेन्युलर डेटा मिलता है, सो लेट मी टेक दैट एज वेल एंड देन विल ट्राई। ओके ओके सो नाउ वी हैव अ गुड ऑप्शन, आता तुम्ही इथे येऊन बघू शकता। सो व्हॉट यू वॉन्टेड, तुम्हाला क्वार्टर वाईज पाहिजे होतं राईट? तर व्हॉट आय कॅन डू इज, ओके सॉरी लेट मी टेक,
मंथ वाईज आहे, इथे डे वाईज आहे, म्हणजे प्रत्येक दिवशी किती झालं, दॅट ऑल्सो यू कॅन फाइंड आउट हिअर. अँड डेट क्वार्टर वाईज पण आहे इथे ऍक्च्युली, म्हणजे तुम्ही याला आहे ना, इथे जसं डेट्स दिसत आहेत ना, यू कॅन कन्वर्ट दिस इन टू इयर. सो आय एम नॉट, ठीक आहे, नॉट अन इश्यू, सो विल नॉट स्पेंड दॅट मच टाइम. पण मी तुम्हाला उद्या सांगतो मॅडम याच्याबद्दल, है ना, कि याला कसं करू शकतो. देयर इज वन मेथड जिथे आम्ही वी यूज टू पुट अपवर्ड्स, इथे दिसतंय का ड्रिल डाऊन आणि ड्रिल अप, तर हे आपण यूज करू शकतो की ग्रॅन्युलॅरिटी डिसाइड करण्यासाठी. ग्रॅन्युलॅरिटी म्हणजे इयरचा डेटा आहे, मग त्यातून मंथ मध्ये जायचं, मंथ मधून डे मध्ये जायचं, डे मधून आर मध्ये जायचं, तर ह्याला ड्रिल डाऊन अँड ड्रिल अप म्हणतात. पण ते इथे ऑप्शन इनेबल नाही होत आहे, तर तिथे तुम्ही करू शकता की म्हणजे इयर वरून मंथ, मंथ वरून क्वार्टर, क्वार्टर वरून डे असं जाऊ शकता. ओके ओके, नॉट एन इश्यू, आय विल चेक अँड आय विल लेट यू नो टुमारो, है ना, की इयर वरून ड्रिल डाऊन कसं करायचं. दॅट इज गुड ऑप्शन और गुड थिंग. डेज नाही, डेट आहेत. ओके ओके, सो यू कॅन यूज दिस टाइमलाईन जे आहे ना आपण, ते इथे तुम्ही वापरू शकता. ते टाइमलाईन के टाइमलाईनच्या अकॉर्डिंगली इथे फिल्टर्स वगैरे अवेलेबल होतात तुम्हाला. तर सिमिलरली अजून एक ऑप्शन आपल्याकडे आहे, नॉट ओनली इन्सर्ट, इन्सर्ट स्लाइसर म्हणून. स्लाइसर इज नथिंग बट अ फिल्टर, जे आपण फिल्टर लावणार आहे, क्लिक करा. तुम्हाला कुठे फिल्टर लावायचं, समजा तुम्हाला ब्रांच वाईज फिल्टर लावायचं आहे, देन प्रेस ओके. जसं इथे तुम्हाला ब्रांच सिलेक्ट करायला येईल, क्लिक केलं तर सेंट्रलच्या अगेन्स्ट सगळे नंबर्स चेंज होतात, देन नॉर्थ काउंटी आणि वेस्ट साईड, वेस्ट साईडच्या अकॉर्डिंगली सगळे नंबर्स चेंज होतात. तुम्हाला मल्टिपल सिलेक्ट करायचं क्लिक ऑन दिस, तर इथे मल्टिपल ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता, नॉर्थ अँड वेस्ट साईड. हे जनरली कधी वापरतात, जेव्हा तुम्हाला युजरला द्यायचं आहे, म्हणजे तुम्ही एक इंटरॅक्टिव्ह एक्सेल शीट बनवताय, इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्ड बनवताय ना, त्या केसमध्ये मोस्टली हे यूज करतात, टाइमलाईन, स्लाइसर्स. और इन जनरल आपण फिल्टर कसं लावतो तुम्हाला माहितीच आहे, ड्रॅग करून फिल्टर्स मध्ये, फील्ड्स मध्ये फिल्टर जरी लावलं, ओके, इथे जे फिल्टर लावतो दॅट इज नथिंग बट सेम एज दिस फिल्टर. बट हे कसं आहे, हे इंटरॅक्टिव्ह आहे, डिझाईन मध्ये आहे, हे डायरेक्टली आपण अप्लाय करतो, राईट. और यू कॅन ड्रॉप फिल्टर हिअर, इथं बघा, ड्रॉप रिपोर्ट और फील्ड्स फिल्टर हिअर. म्हणजे जर फिल्टर काय करायचं असेल तर इथे ड्रॉप पण करू शकता, डायरेक्टली ब्रांच इथे ड्रॉप करा. सो यू कॅन यूज फिल्टर्स फ्रॉम हिअर एज वेल. हे बघा, इथले आणि इथले फिल्टर मॅच होतात, क्लिक करायचे. इफ आय रिमूव दिस, सेम, हे बघा, वेस्ट साईड सिलेक्टेड आहे, वेस्ट साईड ओनली. हे कसं थोडं ग्राफिकल वाटतं आणि अट्रॅक्टिव्ह वाटतं, जर तुमचा ते रिपोर्ट वगैरे अट्रॅक्टिव्ह बनवायचं असेल किंवा डॅशबोर्ड बनवायचं असेल तुम्हाला, तर दॅट टाइम यू कॅन यूज ऑल दिस ऑप्शन्स. ओके, क्लिअर. दिस वन मोर थिंग विच ऑप्शन्स आहे आपल्याकडे, अरे हे सगळे कॅल्क्युलेटेड फील्ड, कॅल्क्युलेटेड आयटम, हे सगळं तुम्ही पॉवर बी आय मध्ये शिकणार आहे. कॅल्क्युलेटेड फील्ड कसे बनवायचे काय, त्याच तुम्ही इथे वापरू शकता, नॉट एन इश्यू. बट ओके, डेटा टेबल, कारण प्योर टेबल तुम्हाला खूप ठिकाणी यूज करता येणार पुढे. ओके, तिथं अजून एक ऑप्शन आपल्याकडे येतो. समजा तर तुमचे जे एजंट आहेत, प्रत्येक किती, 3 आणि 3, 6 आणि 7, 8 जण आहेत. तर 8 जणांच्या वरती समजा एक मॅनेजर आहे कोणीतरी, तर ते मॅनेजर लेवलला तुम्हाला परफॉर्मन्स रिव्ह्यू करायचा, तर ते तुम्ही कसं करू शकता. व्हॉट यू कॅन डू इज, आता या तिघांचा एक मॅनेजर आहे, तर तुम्ही तिघांना सिलेक्ट करून राईट क्लिक, ग्रुप नावाचं ऑप्शन दिसते का तुम्हाला इथे, ग्रुप, तर हे ग्रुप तुम्ही क्रिएट करू शकता. और यू कॅन क्रिएट अ ग्रुप, तर एकदा ग्रुप क्रिएट झाला तर हे बघा, या तिघांचं मिळून ग्रुप वन झाला. इथं ग्रुप वन वरती इथं दिसते ग्रुप वन, याला मग मॅनेजरचं नाव द्या, मॅनेजर अमित, अमित सिंग जे काय नाव असेल, एंटर. तर मग तुम्ही बघू शकता अमित सिंगच्या अंडर किती जण, 3 जण.
मग नंतर खाली अमित सिंगची टोटल, अमित सिंग वाईज परफॉर्मन्स तुम्ही डायरेक्टली इथे काउंट करू शकता, काढू शकता. राईट, लेट मी रिमूव्ह दिस, यांना डिलीट डायरेक्ट करू शकतो. बाय द वे, नवीन फील्ड ओपन होत आहे का? जसं जसं मी क्लिक करतोय यू कॅन सी इट हिअर, है ना? ओके, जसं अमित सिंग तसं मग बाकीच्यांचं पण तुम्ही, इफ यू हॅव एनिथिंग यू कॅन क्रिएट. जसं मॅनेजर वाईज तुम्ही अनालिसिस करू शकता, प्रत्येक मॅनेजरला किती जण होते, काय होते. राईट, इथून तुम्ही लेट मी हाईड एव्हरी वन आणि मग तुम्हाला आता कळेल. हे बघा, अमित सिंग नावाचं एक कॉलम क्रिएट झालं, त्याच्या वाईज अनालिसिस. अमित सिंगच्या अंडर किती जण आहेत हे तिघांचं, मग परत त्याच्या सेपरेट डेटा. राईट, तुम्हाला हे डायरेक्टली यू कॅन अनालाइज नाव, ऑर यू कॅन ऍट एनी लेवल, म्हणजे मॅनेजर लेवल असू दे, मॅनेजरचा मॅनेजर असू दे, कंट्री लेवल असू दे, तुम्ही त्याला ग्रुप करून अनालाइज करू शकता डेटा. ओके, येस, कळतंय ना की आपण कसं ग्रॅज्युअली वर इन्क्रीजिंग अवर लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग, म्हणजे आपण किती लेवलला अनालाइज करू शकतो डेटा हे आपण इथून चेक करत आहे. देन अप टू यू, आता हेच बाकीचं तुमच्यावरती आहे की किती पर्सेंट कोणत्या मॅनेजरने किती पर्सेंट काम केलं, त्याला किती एक्झिस्टिंग कस्टमर होते, न्यू कस्टमर किती होते, कोणत्या ब्रांच मध्ये तो होता. राईट, इथं जे जे दिसतंय डेटा, द डेटा विच यू आर सीइंग, सच एज ओपन बाय ब्रांच, कस्टमर, मग याच्या सगळं यूज करून तुम्ही अनालाइज करू शकता. म्हणजे अमाऊंट, म्हणजे एक्झिस्टिंग वर्सेस न्यू, नी किती अमाऊंट जमा केलं, काय केलं. सो ऑल दोज थिंग्स यू कॅन एक्सप्लोर ऑर यू कॅन अंडरस्टँड. आणि आय नो थोडं आपण वी आर रनिंग लेट, म्हणजे थोडं डिले झाला आपल्याला, बट आय वॉन्ट यू टू स्टिक, म्हणजे आय वॉन्टेड टू कम्प्लीट इन वन फ्लो. असं नाही की फ्लो ब्रेक झालेले इट्स नॉट अ गुड. तर जसं आपण हे क्वेश्चन्स अनालाइज केले राईट आज, सो आय हॅव फ्यू क्वेश्चन्स जे तुमच्या होमवर्क साठी आहेत. आय गेस डे 5 मध्ये असेल. ओके, डे 5 मध्ये आहेत का? जस्ट अ सेकंड. हा, हे बघा, क्वेश्चन्स टू अनालाइज, इथे डायरेक्टली बायफर्केशन पण दिलंय. क्वेश्चन फॉर पिवट टेबल क्लासिक व्ह्यू, क्वेश्चन फॉर पिवट टेबल, क्वेश्चन फॉर पिवट टेबल पिवट चार्ट अँड कंडिशनल फॉर्मॅटिंग. ठीक आहे, पिवट टेबल आणि कंडिशनल फॉर्मॅटिंग तुम्ही बघितलं राईट. पिवट चार्ट काय विल स्टडी टुमारो, की आजच कंटिन्यू करायचं. व्हॉट इज युअर रिस्पॉन्स, काय वाटतंय तुम्हाला, की खूप झालं सर, सॅटरडे आहे, सुट्टी द्या, ऑर वी कॅन कवर दॅट एज वेल, नो इश्यू. ओके, येस, नो, कुछ तो बोलो. लगेच होत असेल तर करा. ओके, लगेच म्हणजे एवढ्या लगेच होईल की एक क्लिक करायचं तुम्हाला बस. ओके, आपण जे बघतोय जे व्हॉट एव्हर, बाय द होमवर्क क्लिअर आहे सगळ्यांना. डे 5 मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स आहेत, हे क्वेश्चन्स तुम्हाला पिवट टेबल वापरून सॉल्व्ह करायचं आहे. ओके, होप होमवर्क इज क्लिअर. अँड इफ होमवर्क इज क्लिअर, देन लेट बॅक टू अवर ओरिजिनल शीट. जर कंपनीमध्ये आपण एवढ्या वेळ काय, आता म्हणजे टिल दिस पॉइंट आपण एवढे सगळे रिपोर्ट बनवले, तुम्हाला काय वाटतं की तुम्ही जेव्हा हे मॅनेजरला सांगाल और तुमच्या कंपनीच्या ओनरला सांगाल की बाबा हा माणूस काम नाही करत आहे आणि या एरियामध्ये मार्केटिंग जास्त पाहिजे, डू यू थिंक ते वाचत बसतील? त्यांना एवढा वेळ असेल की हे सगळं वाचायला, की कुठला एम्प्लॉय काम नाही करत आहे, कोणाचं पर्सेंटेज जास्त आहे, कमी आहे. राईट, और यस, नो, एनिथिंग? आता इथं घ्या, म्हणजे एक्झिस्टिंग आणि न्यू, न्यूचं पर्सेंटेज कमी आहे किंवा न्यूचं इथे जास्त आहे, तर तुम्हाला काय वाटतंय, विल दॅट मेक एनी सेन्स? नो राईट, असे नंबर जनरली कधी नाही दाखवायचे, अँड इट इज कन्सिडर्ड एज व्हेरी रूड. तुम्ही समोर त्याला फोर्स करताय की तू वाच आणि तू इंटरप्रेट कर. राईट, त्यामुळे कधी नंबर्स जनरली नाही दाखवत. तर काय करतात, त्याच्यासाठी आपल्याकडे आहेत चार्ट्स, म्हणजे ग्राफ दाखवायचे. ग्राफ दाखवलं की लोकांना लगेच कळतंय, हा अरे हे असं काहीतरी ट्रेंड आहे, आणि त्यांना इंटरेस्ट पण वाटतोय, हा ओके काय केलंय, ओके हे असं काहीतरी वाटतंय, लाईन काहीतरी वर जाते खाली जाते,
बार चार्ट आहे, पाय चार्ट आहे, असं काहीतरी वेगवेगळे टाईप्स अवेलेबल आहेत, राईट? आणि याच्याने काय होतं, त्याला म्हणतात की व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. तुम्ही जेव्हा ऍडव्हर्टाईज वगैरे बघता रोडवरून येताना जाताना, तर तुम्हाला व्हिज्युअली ते कम्युनिकेट करतात, ना की मोठा पॅराग्राफ वगैरे लिहितात. जसं ऍडव्हर्टाईज तुम्ही बघता, तर तुम्ही ऍड बघून और एक पोस्टर बघून तुम्हाला कळतंय की तिथं घर आहे, त्या घराची किंमत एवढी आहे आणि ते वाकडमध्ये आहे, असं काहीतरी इन्फॉर्मेशन मिळते, राईट? आणि ते विदिन सेकंड्स तुम्हाला सगळं इन्फॉर्मेशन देतात. सो दॅट इज नथिंग बट अ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. तर कंपनीमध्ये पण मोस्टली पीपल यूज सच व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. मग याच्यासाठी स्पेशलाइज टूल्स आहेत आपल्याकडे, पॉवर बी आय, टॅब्ल्यू. तर हे काय करतात, हे कम्युनिकेट करतात व्हिज्युअली, ग्राफ, चार्ट, हे सगळं ड्रॉ करून. तर सिमिलरली एक्सेल पण आपल्याला तसे ऑप्शन्स देतं. तर इन्सर्ट मध्ये जसं आपण पिवट टेबल बघितला, राईट, इथे तर इन्सर्ट मध्ये चार्ट नावाचे पण सेक्शन आहेत. तर इथून डायरेक्ट तुम्ही चार्ट सिलेक्ट करू शकता. कसं, डेटा सिलेक्ट करा जेवढा दिस थिंग. ऍक्च्युली पिवट टेबलचं वन ऑफ द ऍडव्हान्टेज काय आहे ना, इथे मी प्युअर चार्ट क्रिएट करू शकता. यू डोंट इवन हॅव टू मॅन्युअली सिलेक्ट. तर क्लिक करा. ओके, सॉरी, डेटा सोर्स इथे सिलेक्ट करायला पाहिजे. आय हॅव नॉट सिलेक्टेड दिस वन. डेटा सोर्स, सॉरी, डेटा सोर्स माझा इथे आहे ना, दिस इज माय डेटा सोर्स. सो व्हॉट आय कॅन डू इज इथे प्युअर चार्ट सिलेक्ट करू शकतो मी. जसं मी प्युअर टेबल बनवला तसं प्युअर चार्ट. और व्हॉट यू कॅन डू इज बेस्ट, सबसे बेस्ट ये है, प्युअर चार्ट अँड प्युअर टेबल. क्लिक कीजिए इस पे एंड देन ओके. सी, यहाँ आपको दो ऑप्शन आते हैं, म्हणजे तुम्हाला दोन ऑप्शन मिळतात. आपको दो ऑप्शन मिळते, जो आपको बनाना था वो यू कॅन ड्रॉ. आपको क्लासिक व्ह्यू चाहिए तो क्लासिक भी कर सकते. ऑप्शन, डिस्प्ले एंड देन क्लासिक, प्रेस ओके. ओके, आपको ये क्लासिक व्यू मिला. लेट्स मेक दैट ग्राफ हियर. सो आई कैन ड्रैग एजेंट्स हियर. देखिए ग्राफ अपने आप बन रहा है. अकाउंट टाइप ऊपर चाहिए, अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप बन रहा है ग्राफ. और हर एक अकाउंट में कितना पैसा चाहिए था, ऐसा कुछ अमाउंट चाहिए, क्लिक कीजिए. सो डायरेक्टली यू कैन सी द ग्राफ क्रिएटेड. जो सुटेबल ग्राफ है वो ऑलरेडी क्रिएट हो गया है. इसको थोड़ा इंडे हाईलाइट करना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू इंक्रीज ऑल दोस एस्पेक्ट. देखिए, यू डोंट इवन हैव टू डू एनीथिंग, डायरेक्टली ग्राफ. और ये जिसको ये डेटा दिखाना है उसी को ये ग्राफ दिखाए, ही विल अंडरस्टैंड कि क्या है. इसमें थोड़ा एडिशनल चाहिए ग्राफ में. अभी ग्राफ क्रिएट करने से ग्राफ का ऊपर ऑप्शन खुलते हैं, राइट? और एल्स यू कैन सिलेक्ट हियर, एड एक्सेस टाइटल और चार्ट टाइटल, डेटा लेवल्स, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है. दिस इज नथिंग बट अ कीज. विजुअल कम्युनिकेशंस के ये टेक्निक्स है. ये देखिए, यू कैन शो सम, अभी ये थोड़ा बहुत दिख रहा है बट यू नीड टू चेंज ऑल दोस थिंग्स. एक्सेस टाइटल आप चेंज कर सकते हो, इसमें लिखिए क्या लिखना है. लेवल्स वगैरह चेंज कर सकते हो आप, लेवल फॉर्मेट, डेटा लेवल्स, टेक्स्ट लेवल, यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हो, और साइज आप लोग उससे पूरे इससे रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हो. ओके, और जहां पे भी वो डेटा दिखाना है वहां पे एक ग्राफ दिखाइए. इससे पता चलेगा, सीडी जो है यहाँ पे दिख रहा है, करंट डिपॉजिट, ये ब्लू कलर का, ये कुछ बहुत ज्यादा सब जगह पे इट इज इंक्रीजिंग इन द ट्रेंड, राइट? सो दिस इज हाउ वी प्लॉट अ चार्ट. ओके, नॉट एन इशू. हम एक काम करेंगे, वी हैव अ कंप्लीट सेपरेट सेशन कल, नॉट संडे इज ऑफ. बाय द वे, वांटेड टू चेक, संडे इज पॉसिबल आपको कनेक्ट करना कि विल टेक अ ब्रेक? और एल्स व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कनेक्ट ऑन मंडे. लेट्स नॉट टेक दैट. चलो मंडे को ही कनेक्ट करते, नॉट एन इशू. ओके, सो मंडे के दिन विल एक्चुअली, दिस इज, ऐसा नहीं कि इतना ही चैट होता है. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है क्या नहीं है. आई जस्ट वॉन्टेड यू टू क्विकली अंडरस्टैंड कि चार्ट कैसे बनता है फ्रॉम पिवट टेबल, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू पिवट टेबल. ओके,
जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल यूज पिवट टेबल इन द कंपनी इफ यू आर यूजिंग एक्सेल. और वो जो फॉर्मूला लिखने का है वो हार्डली यू विल डू. ओके, इफ सम काउंट वगैरह हो फ्रॉम डे वन टू से जो हम सीख मतलब वी लर्न राइट फॉर्मूला वगैरह लिखना, बट वो छोड़ के आपने बहुत कुछ अभी सीखा है. So I want you to practice all those things and understand जो भी data है. Clear सबको? And you can plot a chart, but better charts कैसे बनाना है I will discuss in the next lecture. Clear सबको कि क्या है क्या नहीं, instructions clear?